जैसो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेज है और उनमें जो लैपटॉप स्मार्टफोन वितरण होना है उनके बारे में आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि मेरठ, बुलंदशहर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, इन जिलों में कब जो है आप लोगों को स्मार्टफोन टैबलेट मिलने वाला है। वीडियो सभी छात्र छात्राओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो, वीडियो को स्किप ना करें। जैसे कि आपको दिखा देता हूँ कि NAS कॉलेज मेरठ में यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 मई 2022 को दिन रविवार को प्रातः 11:30 बजे से अपराह्न 2:30 बजे तक यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में महाविद्यालय में उपस्थित श्रीमान अमित अग्रवाल जी, माननीय विधायक मेरठ कैंट द्वारा NAS कॉलेज मेरठ के अहर संस्थागत छात्र छात्राओं को, जिनकी सूची महाविद्यालय वेबसाइट पर उपलब्ध है, स्मार्टफोन टैबलेट का वितरण किया जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं BA, BSc, BCom, LLB, BEd, MEd, MSc, MCom एवं LLM अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अहर संस्थागत छात्र छात्राएं NAS कॉलेज मेरठ में दिनांक 15 मई 2022 दिन रविवार को प्रातः 11:00 बजे महाविद्यालय के परिचय पत्र, आधार कार्ड एवं प्रवेश शुल्क की रसीद मूल रूप से साथ लेकर उपस्थित हो, उनको यहाँ पर स्मार्टफोन टैबलेट मिलने वाला है। उसके साथ ही देवनागरी कॉलेज मेरठ में भी यहाँ पर आपको प्रदेश के युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टैबलेट स्मार्टफोन वितरण हेतु आवश्यक सूचना दी गई है। यहाँ पर 16 मई 2022 को सोमवार को 10:30 बजे से लेकर शाम 4:00 बजे तक शंकर ऑडिटोरियम देवनागरी महाविद्यालय मेरठ में आप लोगों को उपस्थित होना है और यहाँ पर आपको स्मार्टफोन टैबलेट मिलने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चौधरी शिवनाथ सिंह सांडल्य PG कॉलेज माछरा मेरठ, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जितने भी BA, BSc, BSc एग्रीकल्चर, BEd, MEd कृषि के छात्र छात्राएं हैं उनको सूचित किया जाता है कि 17 मई 2022 को प्रातः 10:00 बजे टैबलेट स्मार्टफोन का वितरण किया जाएगा। अतः अंतिम वर्ष के सभी छात्र छात्राएं टैबलेट स्मार्टफोन प्राप्त करने हेतु अपने साथ आधार कार्ड व महाविद्यालय का परिचय पत्र मूल रूप से साथ लेकर पहुँचे। तो इन छात्रों को यहाँ पर 17 मई 2022 को 10:00 बजे विद्यालय पहुँचना और यहाँ पर अपना टैबलेट या स्मार्टफोन लेना है। इसके साथ ही मेरठ शहर के कुछ स्मार्टफोन टैबलेट वितरण जो होना है वो आपको बता दूं कि रेगुलर जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है 15 मई NAS कॉलेज मेरठ में, 15 मई शहीद मंगल पांडे कॉलेज मेरठ में और 16 मई मेरठ कॉलेज मेरठ में और 17 मई रुद्रा इंस्टीट्यूट छोटा मवाना और 17 मई चौधरी शिवनाथ सिंह माछरा PG कॉलेज मेरठ और 19 मई इस्माइल कॉलेज मेरठ में आपको टैबलेट स्मार्टफोन मिलने वाला है। उसके साथ ही आपको बता दूं कि श्री शालिग्राम शर्मा स्मारक स्नातकोत्तर महाविद्यालय रासना में भी 15 मई को स्मार्टफोन और टैबलेट मिलने वाले हैं। तो कॉलेज के कार्यक्रम अधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि सत्र 2021-22 में अध्ययनरत BA तृतीय वर्ष तथा MA द्वितीय वर्ष के समस्त छात्र छात्राएं आधे घंटे पहले अपना परिचय पत्र, प्रवेश पत्र और आधार कार्ड लेकर कॉलेज आए, एक भी पत्र न होने की स्थिति में स्मार्टफोन टैबलेट नहीं दिया जाएगा। उसके साथ ही आपको बता दूं डिजी शक्ति पोर्टल से डाउनलोड की गई लिस्ट है मेरठ कॉलेज मेरठ की, यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स को टैबलेट स्मार्टफोन मिलने वाला है उन सभी की लिस्ट है, ये आपको ग्रुप में भी डाल दी जाएगी, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2366 स्टूडेंट्स है जो आप देख सकते हैं सीरियल नंबर पर, यहाँ पर इन सभी को यहाँ पर स्मार्टफोन टैबलेट मिलने वाला है। तो आप समय से अपने महाविद्यालय में पहुँचे और अपना आधार कार्ड, परिचय पत्र मूल रूप से और साथ में अपनी फीस रसीद जो है वो अपने साथ में लेकर के अपने कॉलेज में अवश्य पहुंच जाए, तो आपको यहाँ पर टैबलेट स्मार्टफोन मिलने वाला है। तो ये बहुत ही बड़ी खबर है। तो और बाकी शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर और बाकी ज़िलों की जो लिस्ट है वो हम डाउनलोड कर रहे हैं, तो आपको जल्दी सूचित कर देंगे। उसके साथ ही ये लिस्ट आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा ले। उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। तो मिलता है कोई लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।